बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अफसर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल किचन किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बच्चों और बड़े सब की अक्सर पसंद है, यानी चिकन मैक्रोनी की रेसिपी। चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए एक पैन में 5 से 6 कप पानी डालकर इसमें 1 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून नमक डालकर उबाल आने पर इसमें 300 ग्राम एल्बो मैक्रोनी डालकर 10 मिनट तक पकाएं और पानी छान लें और ठंडा होने दें इसे। फिर एक पैन में 4 टेबलस्पून तेल गरम करके चॉप की हुई एक बड़ी प्याज डालें और सौते कर लें। अब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन डालें और भून लें। और फिर 250 ग्राम बोनलेस चिकन जो क्यूब्स में कटी हुई हो डालें और रंग बदलने तक भून लें। फिर एक बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ बीज निकाल कर डालें और भून लें। अब एक गाजर जुलियन कटिंग की हुई डालें साथ ही एक शिमला मिर्च भी जुलियन कटिंग की हुई डाल दें और 2 मिनट ढककर पकाएं। ये पैन क्योंकि छोटा पड़ रहा है इसलिए हमने इस मिक्सचर को कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 4 टेबलस्पून केचप डालकर मिक्स कर लें। फिर 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डालकर मिक्स कर लें। और 1 टीस्पून नमक शामिल करके मिक्स कर लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके डालें और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। अब उबली हुई 300 ग्राम मैक्रोनी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब ढककर 2 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। मज़ेदार चिकन मैक्रोनी तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।